सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग? रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें कि जिला वाइज करके झारखंड जीके के सारे सेक्टर को कवर करेंगे। आज हम लोगों का ये पहला सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग रांची जिला के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत रांची जिला का गठन, क्षेत्रफल, जनसंख्या, अनुमंडल, साक्षरता, प्रखंड, विधानसभा क्षेत्र, पंचायत, नदियां कितना है यहाँ पे, जलप्रपात कौन कौन से हैं, मंदिर कौन कौन से हैं, उद्यान और पार्क कौन कौन से हैं, उद्योग कौन कौन से हैं, खनिज क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कौन कौन से आपके बांध और डैम कौन कौन से हैं, शिक्षण संस्था आपका कौन कौन सा है, और आर्ट और कल्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात, जो हमारे जो चैनल को अभी न्यू जो देख रहे हैं और या जो फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि झारखंड का मैप है, जिसमें कि आपका रांची जो है आपका सेंटर में पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, आपका ये दूसरा मैप है जिसमें कि आपके ब्लॉक सारे दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन कौन से ब्लॉक हैं और कितने ब्लॉक हैं यहाँ पे। चलिए, इससे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए कि झारखंड, सबसे पहले रांची को क्या क्या कहते हैं हम लोग। देखिए, रांची को हम लोग झारखंड की राजधानी, पहला नंबर। दूसरा है आपका झारखंड का शिमला, इसको कहते हैं शहीदों का नगर भी कहते हैं, जलप्रपात का शहर कहते हैं, और इसको आपका मोटरिस्ट पैराडाइज भी कहते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी इसको कहा जाता है रांची को, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी आपका रांची है। तो ये सब पॉइंट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए, इसका जो गठन हुआ है वो आपका 1899 ईस्वी में हुआ है, ये देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, परमंडल जो आपका छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत ये आता है। क्षेत्रफल आपका है 5097 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या इसका है 29,12,022। साक्षरता जो दर है आपका वो है 77.13%। ठीक है, आगे जो देखिए आपका अनुमंडल, दो अनुमंडल इसके अंतर्गत हैं, रांची सदर और बुंडू। प्रखंड आपके जो टोटल प्रखंड है वो 18 प्रखंड है, जैसा कि मैप में मैं दिखाया था आपको। चलिए, विधानसभा जो है आपका 7 विधानसभा क्षेत्र है। पंचायत जो है आपका 303 पंचायत है। गाँव जो है आपका 1329 इसके अंतर्गत आता है। चलिए, इसके जो रांची जिला में जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला नदी जो देखिए वो स्वर्णरेखा नदी है, ये आपका रांची का नगड़ी गांव से ये आपका निकलता है और आपका बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। ये स्वतंत्र रूप से झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि आपका डायरेक्ट जो है बंगाल का खाड़ी में जाके गिरती है, ये आप लोग याद रखिएगा इसको। वैसे नदी का मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सारे चीज डिटेल में है। चलिए हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन से नदी आपके रांची क्षेत्र में आते हैं। चलिए, दूसरा आपका दक्षिणी कोयल है जो कि आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और संख नदी में जाके मिल जाती है। चलिए, आगे है आपका संख नदी जो कि गुमला जिले के चैनपुर जगह से निकलती है और ये दक्षिणी कोयल में जाके मिल जाती है। चलिए, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रमुख इसके जलप्रपात कौन कौन से हैं वो देखते हैं। गौतम धारा प्रपात, जिसको हम लोग जोन्हा प्रपात भी कहते हैं, ये आपका देखिए राड़ू नदी से निकलती है और ये आपका रांची का फेमस जलप्रपात है। देखिए, दशम प्रपात, ये भी आपका बहुत फेमस जलप्रपात है जो कि आपका कांची नदी से निकलती है और इसका ऊंचाई आप देखिएगा तो 130 फीट है। हुनरू जलप्रपात बहुत ही फेमस जलप्रपात है जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पे है स्थित है और ये आपका झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका कि आपका 243 फीट ऊंचा है इसका हाइट। चलिए, अन्य जलप्रपात में देखा जाए तो आपका तिरु जलप्रपात है, पंगुरा है, फिर सोनुआ है। तो इसमें मैंने बनाया है जलप्रपात का वीडियो, शॉर्ट ट्रिक का है, तो आप लोग वहां से भी जा करके याद कर सकते हैं। झारखंड के सारे जलप्रपात पे एक वीडियो बनाया है शॉर्ट ट्रिक का। आगे हम लोग चलते हैं मंदिर, देवरी मंदिर जो है आपका बहुत फेमस मंदिर है, ये आपके तमाड़ में पड़ता है। फिर आपका पहाड़ी मंदिर, ये भी बहुत फेमस मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर जो कि आपका 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह के द्वारा बनाया गया था। तो ये है कि जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे यहाँ भी 100 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण किया गया और रथ यात्रा के समय यहाँ पे विशाल मेला लगता।
चलिए आगे है आपका सूर्य मंदिर, बुंडू में स्थित है। देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है मंदिर रांची टाटा मार्ग पर बुंडू के निकट यह मंदिर की स्थापना किया गया है। तो यह मंदिर है सूर्य के रथ की आकृति का बनाया गया है। चलिए उद्यान और पार्क में हम लोग चलते हैं। देखिए पहला आपका है बिरसा जैविक उद्यान, फिर टैगोर हिल जो है वो भी फेमस है रांची का, रॉक गार्डन जो है वो भी रांची में स्थित है, बहुत अच्छा इसका रॉक गार्डन है। फिर आपका नक्षत्र वन, ये भी आपका रांची में स्थित है, और साइंस सिटी। चलिए अब हम लोग उद्योग पे चलते हैं, कौन कौन से उद्योग यहाँ पे फेमस हैं। चलिए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन जो कि आपका हटिया में है, चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कस करते हैं। HEC जो कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का शॉर्ट फॉर्म है। चलिए इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुआ था, सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत, ये याद रखिएगा आप लोग। उत्पादन जो है आपका शुरू हुआ था 1963 में, और ये जो दो देश के सहयोग से बना था, रूस और चोकोस्लाविया। तो देखिए इसमें तीन इकाई है, पहला जो इकाई है आपका फ्राउंड्री फॉर्ज प्लांट जो कि आपका चोकोस्लाविया के सहयोग से बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका SI में। चलिए आगे जो हैवी मशीन टूल प्लांट जो कि चोकोस्लाविया के सहयोग से बना है, और आपका तीसरा जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो कि रूस के सहयोग से बना है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा आपका है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मुरी, इसकी स्थापना जो है 1938 ईस्वी में की गई थी, अभी ये हिंडाल्को के द्वारा है, ठीक है, ये आदित्य बिरला ग्रुप में ये मर्ज है। चलिए आगे दूसरा जो है आपका, दूसरा यह सबसे पुराना कारखाना है, और इस कारखाने को बॉक्साइट लोहरदगा से मिलता है, कोयला जो है दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए लाह फैक्ट्री जो है वो भी आपका रांची में है, इसको याद रखिएगा, लाह फैक्ट्री रांची में। चलिए खनिज हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से खनिज यहाँ पे मिलते हैं। देखिए इसके प्रमुख जो है कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले, चाइना क्ले और ग्रेनाइट, इतने आपके खनिज मिलते हैं। चलिए बांध हम लोग डिस्कस करते हैं, बांध कौन कौन से हैं। चलिए गेतल सूद, देखिए ये आपके ओरमांझी में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका निर्माण वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, 1971 ईस्वी में ये बना था, और आपके ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है, और बहुत अच्छा ये पिकनिक स्पॉट भी है। चलिए आगे कुछ और भी बांध हैं जैसे कि कांके बांध, ये सब आपके रिजर्वर हैं। चलिए और आगे जो है धुरवा बांध भी है। चलिए हम लोग आप आर्ट और कल्चर पे डिस्कस करते हैं। देखिए मुख्यतः यहाँ पे तीन प्रकार के आपके नृत्य जो हैं जैसे कि फेमस है, जैसे आपका सबसे फेमस आपका जो है छऊ नृत्य, यह नृत्य झारखंड का सबसे मशहूर नृत्य है जो कि आपका एक ओजपूर्ण नृत्य शैली है, जिसमें कि आपका पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौट का धारण करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक संथाल है जिसमें कि आपका ग्रुप डांस परफॉर्म होता है, ठीक है, और ये फेमस नृत्य है। चलिए कर्मा जो है ये भी आपका बहुत ही फेमस नृत्य है, नृत्य नहीं है, ये आपका पर्व एक तरह से माना जा सकता है, जिसमें कि आपका उस पर्व के दिन नृत्य लोग करते हैं, जिसमें कि सामूहिक रूप में किया जाता है एक नृत्य है। चलिए कुछ फेमस पेंटिंग है वो भी जान लीजिए, जैसे कि आपका पट्टिकर पेंटिंग है, दूसरा आपका है सोराय पेंटिंग जिसमें कि आपका जनजातियों का एक प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली है, इसमें प्रसिद्ध पर्व सोराय से जुड़ी शैली है इसमें, जिसमें कि आपका जीव जंतु पक्षियों पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। अब दूसरा देखिए और सब भी कुछ कुछ है, जैसे कि उरांव आपका भित्ति चित्र है, फिर आपका संथाली भित्ति चित्र है, और आपका देखिए एक जादो पाटिया शैली भी इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए शिक्षण संस्थान के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं, कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे। चलिए पहले हम लोग यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी यहाँ पे। देखिए पहला आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है, फिर आपका रांची यूनिवर्सिटी है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अमिति यूनिवर्सिटी है, रामकृष्ण मिशन यूनिवर्सिटी, साईनाथ यूनिवर्सिटी, ICFAI यूनिवर्सिटी, राय यूनिवर्सिटी, और आपका झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, इतने सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैं। चलिए कुछ आपका ऑटोनोमस संस्थान है जैसे कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी, तीसरा आपका है आगे जो है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, फिर आपका जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये आपके ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग चलते हैं, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज आपके दो हैं, एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा, और आपका एक कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
चलिए, लॉ में आपका देखिए छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, मेडिकल में आपका राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चलिए कुछ हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च के बारे में जानते हैं। देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी, ये आपका है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, फिर आपका NIFFT, फिर आपका सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगे आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेशिंग एंड गम, जिसको हम लोग की लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले जानते थे, अभी वो चेंज हो गया नाम। चलिए आगे आपका है कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची और डॉक्टर राम दयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके सारे रांची में है। चलिए ये थे रांची जिले के बारे में कुछ जानकारियां हैं। आगे के वीडियो में हम कुछ और जिले के बारे में लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।